hello everyone today i'm going to teach you english grammars chapter number 3 that is parts of speech we will be covering the second part of this chapter as you all know that i have divided this chapter into two parts and the explanation of this chapter will be in hindi the link of the first part will be given in the description you can go and check it over there

हम लोग फटाफट से शब्द भेद की परिभाषा को रिवाइज करेंगे वी विल बी लुकिंग अराउंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर विथ देयर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के शब्द भेद होते हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण भी वी विल बी लुकिंग अराउंड दी सॉल्ट एक्सरसाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सॉल्ड एक्सरसाइज करेंगे शब्द भेद की तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद शब्द भेद क्या होता है द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट काइंड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ और वर्क इन द सेंटेंस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है जिसे हम शब्द भेद कहते हैं ओके द पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इंटू एट पार्ट्स यानी कि शब्द भेद के कुल आठ प्रकार हैं पहला है नाउन जिसे हम संज्ञा बोलते हैं दूसरा है प्रोनाउन जिसे हम स्वर नाम बोलते हैं तीसरा है एडजेक्टिव जिसे हम विशेषण बोलते हैं चौथा है वर्ब जिसे हम क्रिया बोलते हैं पांचवा है एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं छठा है प्रेपोजिशन जिसे हम संबंधवाचक अव्यय बोलते हैं सातवा है कंजंक्शन जिसे हम समुच्चय बोधक बोलते हैं आठवां है इंटरजेक्शन जिसे हम विश्व आधी बोधक बोलते हैं अब इन आठों शब्द भेदों में से हमने पहले चार शब्द भेद जो है अपनी पिछले पार्ट में कर लिए हैं तो इस पार्ट में हम बचे हुए शब्द भेद करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट सेज समथिंग मोर अबाउट अवर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब यानी कि किसी वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है जैसे कि बिफोर यस्टरडे येट स्टिल स्लोली फास्ट डिलाइटफुली ऑब्वियसली वेरी इनफ वैन हाउ इत्यादि ये सब क्या है हमारे क्रिया विशेषण हैं तो चलिए क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं पहला उदाहरण है आई स्पोक पोलाइटली इसमें जो ये शब्द है स्पोक ये क्या है हमारा वर्ब है यानी क्रिया है और पोलाइटली क्या है हमारा एडवर्ब है क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारे को क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हुआ पोलाइटली हमारा क्रिया विशेषण हुआ आगे चलते हैं दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल इसमें जो तो ये शब्द वेरी है वो हमारा एडवर्ब है और जो ये शब्द ब्यूटिफुल है वो हमारा एडजेक्टिव है और जो हमारा शब्द एडवर्ब है वो क्या कर रहा है इसमें हमारे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है यानी बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है कि बिल्डिंग कैसी है आगे चलते हैं आई स्पोक क्वाइट पोलाइटली अब इसमें क्वाइट क्या है हमारा एडवर्ब है और पोलाइटली भी क्या हुआ हमारा एडवर्ब हुआ बट ये काउंट करा जाएगा एन अदर एडवर्ब में ठीक है आया समझ चलिए आगे चलते हैं प्रेपोसीशन यानी कि संबंधवाचक अवयव अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज विद नाउन और प्रनाउन टू शो हाउ दी नाउन एंड प्रनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन को संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक अवयव कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक अवयव कहते हैं जैसे कि इन ऑन एट बाय फॉर From, of, put, on to with into above about around between इत्यादि ये सब क्या हुए हमारे संबंधवाचक अवयव हुए तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं संबंधवाचक अवयव के पहला है बुक्स आर ऑन द टेबल इसमें हमारा संबंधवाचक अवयव है ऑन क्योंकि ये क्या कर रहा है बुक्स और टेबल के बीच में रिलेशन दिखा रहा है संबंध दिखा रहा है दूसरा है द स्काई इज अबव इसमें हमारा जो प्रपोजिशन है वो क्या है अबव है क्योंकि ये क्या कर रहा है स्काई और हमारे बीच में रिलेशन दिखा रहा है आगे चलते हैं ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग इसमें ऑफ जो है वो क्या है हमारा संबंध वाचक है और ये क्या कर रहा है किसी लड़के या आदमी का रिलेशन दिखा रहा है रीडिंग के साथ आगे चलते हैं वी रेस्टेड अंडर अ ट्री अंडर जो है इसमें हमारा संबंध वाचक है और ये क्या कर रहा है हमारे और ट्री के बीच में एक संबंध दिखा रहा है यानी रिलेशन दिखा रहा है आया समझ तो चलिए आगे चलते हैं कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स टू फ्रेजेस टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस आया समझ दो शब्दों वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहा जाता है जैसे कि एज बोथ और एज वेल एज बट ईदर और नॉर नीदर देन इत्यादि ये सब क्या हैं हमारे समुच्चय बोधक हैं चलिए उदाहरण देखते हैं समुच्चय बोधक के पहला है होम एंड ऑफिस इसमें एंड जो है हमारा कंजंक्शन है यानी कि समुच्चय बोधक है और ये क्या कर रहा है दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है आगे चलते हैं एट होम बट नॉट इन दी ऑफिस इसमें बट जो है हमारा क्या है समुच्चय बोधक है और ये क्या कर रहा है दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है एट होम पहला और दूसरा है नॉट इन ऑफिस आगे चलते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड एंड इफ़ यू आर सिंसियर इसमें हमारा समुच्चय बोधक है एंड और ये क्या कर रहा है दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है आया समझ तो चलिए आगे चलते हैं आई वेंट टू द मार्केट बट आई कुड get गेट books. इसमें बट जो है हमारा समुच्चय बोधक है और ये क्या कर रहा है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है आया समझ तो चलिए आगे चलते हैं इंटरजेक्शन यानी कि विस्म्यादी बोधक एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय सॉरो एंड सरप्राइज दैट मीन्स वो शब्द जो अचानक आए किसी को भाव को दर्शाते हैं उन्हें हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं जैसे कि जॉय, आनंद सौरु दुख सरप्राइज यानी कि आश्चर्य ग्रीटिंग यानी कि संबोधन तो चलिए विस्म्यादी बोधक को अच्छे से समझने के लिए उनके उदाहरणों पर चलते हैं पहला उदाहरण हुर्रा वी match इसमें क्या है फीलिंग दिखाई है किस चीज की खुशी की किस चीज की खुशी कि हमने मैच जीत लिया है तो हुर्रा क्या होगा इसमें हमारा विस्म्यादी बोधक चलिए आगे चलते हैं अलास, हर ओनली सन इज़ डेड अब इसमें अलास क्या है फीलिंग दिखा रहा है दर्शा रहा है फीलिंग किस चीज़ की Sorrow की दुख की कि उसका इकलौता बेटा था उसकी डेथ हो गई तो अलास क्या हुआ हमारा विस्म्यादी बोधक हुआ चलिए अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद की एक्सरसाइज पर नीचे दिए गए वाक्यों में आपको क्या करना है शब्द भेद अंडरलाइन करने हैं जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं वैसे ही करने हैं तो चलिए शुरू करते हैं डू यू लाइक डॉग्स आपको इसमें क्या करना है क्रिया भरनी है तो लाइक द लिसन टू म्यूजिक एवरी डे वर्ब डालना है वर्ब क्या हुआ लिसन शी इज एन ओल्ड लेडी इसमें आपको क्या करना है क्या भरना है बताइए बताइए इसमें आपको भरना है विशेषण। विशेषण हुआ ओल्ड द ग्रुप वेंट क्लाइंबिंग इन द माउंटेन इसमें आपको संज्ञा भरनी है तो संज्ञा क्या होगी ग्रुप दिस इज अ फास्ट कार इसमें आपको विशेषण भरना है तो विशेषण क्या हुआ फास्ट ही वेल सॉरी वेल इन दस्ट इसमें क्या है आपको क्रिया विशेषण बताना है तो क्रिया विशेषण क्या हुआ वेल well. माई फादर drives स्क्री केयरफुली इसमें क्या करना है आपको क्रिया विशेषण बताना है तो क्रिया विशेषण क्या हुआ केयरफुली हैज योर फादर एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या करना है आपको संख्या बतानी है तो संख्या क्या होगी फादर द प्ले वॉज फैंटास्टिक इसमें आपको क्या करना है संज्ञा बतानी है तो आपकी संख्या क्या होगी प्ले यानी कि आपको ये करना है कि आपको ब्रैकेट में जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं आपको उनके अनुसार ही वाक्य में अंडरलाइन करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब